वेलकम टू एस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर 3 देख रहे हैं, पॉलिनोमियल। उसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 3.4। तो इसमें हमें क्या दिया है, वेरिएबल की वैल्यू दी है, उसके बेस पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट जो है उसमें एक्स की वैल्यू हमें दी है 0। तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया है उसमें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+5। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो x की वैल्यू 0 लेके हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x है, हमने 0 लिया। अब 0 का स्क्वायर माइनस 5 इन ब्रैकेट 0 प्लस 5। ठीक है, ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, माइनस 5 और 0 के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो 5 0 0 प्लस 5 और पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 प्लस 5 ही रहेगा। ठीक है, तो हमें ये आंसर फर्स्ट मिला। ठीक, सेकेंड हमें दिया है इफ़ पी ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y+1 देन फाइंड पी ऑफ 3√2। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या गिवन है, 3√2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3√2y+1। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या निकालना है, p और वेरिएबल जो y है उसके बिहाफ में हमें क्या लेना है, 3√2। ठीक है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम क्या लेंगे, 3√2 लेंगे। ठीक है, p 3√2 इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या आएगा, 3√2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 3√2। अब यहाँ पर क्या आएगा, ब्रैकेट में 3√2+1। जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हमने क्या लिया है, 3√2 को लिया है। ठीक है, ओके, ये ऐसे ही लिखना है, 3√2 यहाँ पर सेम ही आएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, 2 किस में है, अंडर रूट में है, तो ये रूट इस स्क्वायर से हट जाएगा तो क्या रहेगा, 2 रहेगा। ओके, माइनस का साइन, 3 3 9 और √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 रहेगा। कैसे, √2 × √2, तो इसमें क्या आएगा, 2 × 2 4 आएगा। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, 2 आया। ओके, प्लस 1। ठीक है, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3√2 इज इक्वल टू 9 2 18 माइनस 9 2 18 प्लस 1। माइनस 18 और प्लस 18 कैंसिल हो गया, या तो यहाँ पर क्या बचा, 3 ऑफ 3√2 इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, थर्ड हमें गिवन है इफ पी ऑफ एम इज इक्वल टू एम का पावर 3+2 एम का पावर 2 माइनस एम प्लस 10 देन पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए इज व्हाट। ठीक है, तो हमें पी ऑफ ए को फाइंड आउट करना है, फिर पी ऑफ माइनस ए को फाइंड आउट करना है, उसके बाद में दोनों को प्लस करके उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पी ऑफ एम इज इक्वल टू एम का पावर 3+2 एम का पावर 2 माइनस एम प्लस 10। ठीक है, अब फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे पी ऑफ ए को। ठीक है, तो ए के पी ऑफ ए को फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, तो जहाँ पर m है वहाँ पर हम क्या लेंगे, a लेंगे। ठीक है, जहाँ पर m है वहाँ पर हम a लेंगे, a का पावर 3+2 a का पावर 2 माइनस a प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ पर a का पावर 3+2 1 2 a का पावर 2, a वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 1 2 ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में माइनस ए प्लस 10, तो ये हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया पी ऑफ ए को। ठीक है,
उसके बाद में हमें फाइंड आउट करना है पी ऑफ माइनस ए को। अब जहां पर एम है वहां पर हम माइनस ए लेंगे, माइनस ए का क्यूब प्लस टू माइनस ए का स्क्वायर माइनस माइनस ए प्लस 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस ए का क्यूब क्या आएगा, माइनस ए का क्यूब ही आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। अब माइनस टू का अगर हमें क्यूब निकालना है तो क्या आएगा, माइनस टू थ्री टाइम्स, ओके। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, टू टू जा फोर, प्लस फोर हो जाएगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई माइनस टू से, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एट हो जाएगा, फोर टू जा एट, प्लस माइनस माइनस, तो हमें क्या मिला, माइनस एट मिला, ठीक है। तो माइनस टू का क्यूब हमें माइनस एट मिला। अब ये टू नंबर है, यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो माइनस का माइनस क्यूब का आंसर, माइनस क्यूब को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ही मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, ओके। और प्लस टू यहाँ पर क्या करना है हमें, माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, टू टू जा फोर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस टू का स्क्वायर क्या मिला हमें, प्लस फोर मिला, ठीक है, प्लस मिला हमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है, नंबर नहीं है, तो ए माइनस ए का स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस ए का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, प्लस 10, ठीक है। तो ये हमारा, इसको ब्रैकेट को निकालेंगे, माइनस ए का क्यूब प्लस टू ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 10। तो ये हमने सेकंड जो निकाला वो क्या निकाला, पी ऑफ माइनस ए, ठीक है, पी ऑफ माइनस ए को निकाला, ठीक है। अब हमने दोनों निकाला है, पी ऑफ ए को भी निकाला है, पी ऑफ माइनस ए को भी निकाला है। तो अब हम इसे ऐड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू, पी ऑफ ए क्या है, ये जो है फर्स्ट वो पी ऑफ ए है, ए का क्यूब प्लस टू ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस 10। प्लस क्या करेंगे हम, पी ऑफ माइनस ए को प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पर जो साइन है, प्लस किया हमने, और यहाँ पर जो साइन है सेकेंड, जो पी ऑफ ए की साइन जो है फर्स्ट टर्म की, वो माइनस साइन है, इसके लिए ब्रैकेट लिया, माइनस ए का क्यूब प्लस टू ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ पर a का क्यूब प्लस टू ए का स्क्वायर माइनस ए प्लस 10। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए का क्यूब हो जाएगा, प्लस टू ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 10। अब यहाँ पर a का क्यूब है और यहाँ पर क्या है, माइनस ए का क्यूब, मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए का क्यूब माइनस ए का क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर माइनस ए है और यहाँ पर प्लस ए है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, टू ए का स्क्वायर बचा, प्लस टू ए का स्क्वायर और प्लस टू ए का स्क्वायर बचा, ठीक है। प्लस टू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फोर ए का स्क्वायर बचा, ठीक है। और क्या बचा है, प्लस टेन क्या होता है, 20 होता है। तो ये वैल्यू हमें मिली है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ माइनस ए की वैल्यू हमें मिली है, ठीक है। तो थोड़ा हमारा सॉल्व हो गया। तो हमें दिया है, इफ पी ऑफ वाई इज इक्वल टू टू वाई का क्यूब माइनस सिक्स वाई का स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सेवन, देन फाइंड पी ऑफ टू। अब यहाँ पर पी ऑफ वाई के बदले में हमें क्या लेना है, पी ऑफ टू लेना है, ठीक है। तो पी ऑफ वाई इज इक्वल टू टू वाई का क्यूब माइनस सिक्स वाई का स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस 7। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, पी ऑफ 2 लेंगे, ठीक है। पी ऑफ 2 जहां पर y है वहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 y की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 का पावर 3 माइनस 6, 2 का पावर 2 माइनस 5
इन ब्रैकेट 2 प्लस 7, ठीक है, जहाँ पर y है वहाँ पर हमने 2 लिया, ओके। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 का पावर 3, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 2 का पावर 3 क्या आया, 8 आया। माइनस 6 इंटू 2 का पावर 2 क्या है, 4 है। माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7, अब यहाँ पर 2 एट ज़ा 16, माइनस माइनस क्यू साइन आया, माइनस और प्लस माइनस, ठीक है, 6 4 ज़ा 24, माइनस प्लस माइनस 8 5 2 ज़ा 10 प्लस 7, ठीक है। अब 16 माइनस प्लस 16 माइनस 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 24 में से 16 गया, 8 बचता है, साइन बिगर नंबर का माइनस 8, माइनस 10 प्लस 7। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, साइन बिगर नंबर का माइनस का साइन आएगा, प्लस 7। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, 18 माइनस 7 इज 11, साइन बिगर नंबर का, ठीक है, हमें क्या मिला है, माइनस 11 मिला, ठीक है। तो हमने इस पी ऑफ 2 की वैल्यू हमने निकाली माइनस 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।